तो दोस्तों आप देखते हैं फोर स्ट्रोक गाड़ी चलाते समय आप गाड़ी के ड्राइवर नवे या पुराने, पर ये जैसा साउंड आने के बाद आपको परेशानी होती है और गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो बहुत से ऑटो ड्राइवर को ये नहीं पता होता ये आवाज़ कहाँ से आती है। तो दोस्तों घबराए मत, ये जो आवाज़ है वो आपको तुरंत कैसे बंद करनी के, इसके लिए आज का जो वीडियो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों कभी भी गाड़ी चलाते समय या ऐसी आवाज़ आए तो डरिए मत, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, पर ध्यान रखिए ये आवाज़ किस वजह से आती है ये आपको समझना है। तो सबसे पहले आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के बाद जो आवाज़ आती है वो है गाड़ी का वाल। ये गाड़ी को दो वाल है, ये फोर स्ट्रोक गाड़ी है दोस्तों, इसके लिए डरे मत कि ये वाल का सेटिंग करने के बाद ये आवाज़ बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो कैसे करना है ये आपको वीडियो के जरिए मैं आप बताने वाला हूँ। तो मेरा चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान और मैं हूँ अनिल बागुन। तो दोस्तों फोर स्ट्रोक गाड़ी के बहुत से काम होते हैं जो आज तक मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, आप चेक करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसमें से कोई भी आपको वीडियो ज़रूर काम में आएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो में डालता रहता हूँ। तो चलो सबसे पहले गाड़ी के इंजन के पीछे चले, गाड़ी गर्म हो तो उसे ठंडा होने दे, उसके बाद ही उसे खोलना है। तो दोस्तों पहले तो आपके इंजन को ठंडा कर ले, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर के जो 8 नंबर के नट है उसको खोलने के लिए आपके पास जो भी स्पैनर हो या गुटकी पाना उसे खोल लेना है, धीरे धीरे खोलना, क्योंकि स्लिप नट हो जाने के बाद खुलने को आपको दिक्कत होंगी और परेशानी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले इंजन को ठंडा करना है और उसके बाद बाकी काम करना है। तो चलो दोस्तों अभी धीरे धीरे एक एक करके काम, फिटर मेरा दोस्त है वो इमरान, हम दोनों साथ में ही काम करते रहते और आपके लिए वीडियो बनाते रहते। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बहुत से फोर स्ट्रोक ऑटो ड्राइवर को ये पता नहीं होता है कि ये काम कैसे करना है और क्यों नहीं। तो फिलहाल दोस्तों जो ऊपर का हेड है वो खुलने को आ रहा है, उसको खुलने के बाद जो कार्बोरेटर का नट है उसको भी खोल लो, क्योंकि वो पता ही नहीं बहुत से कि उसको भी एक सेफ्टी एक नट रहता है, वो कार्बोरेटर हिल ना जाए तो उसको भी खोल लेना है। दूसरा है दोस्तों कार्बोरेटर का नट खोलने के बाद उसे धीरे से हल्के से उठा लेना है, अंदर कुछ कचरा विचरा ना जाए, इसके लिए आराम से रख दो। और आपको आप देख सकते हैं फोर स्ट्रोक गाड़ी का ये जो वाल है ये एग्ज़िट वाल है और एक उस तरफ से, यानी दो वाल रहते हैं, एक कंप्रेसर की तरफ से मतलब कार्बोरेटर, ये अभी वाल थोड़ा ढीला है। तो दोस्तों फोर स्ट्रोक गाड़ी के दो वाल, एक एग्जिट और इन जो पेट्रोलर हवा का मिक्सचर अंदर जाता है और पिस्टन पे, उसके बाद पार्क प्लग होकर गाड़ी का जो इंजन चालू हो जाता है। और दूसरा है एग्जिट, एग्जिट मतलब जो गाड़ी का धुआं है वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलता है। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी इन ऑल जो दूसरा वाला वाल है वो ढीला है, उसको अच्छी तरह से अंदर एक ब्लेड डाल के उसको अच्छे से सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि आपका दूसरा कोई ऑप्शन ना हो तो ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। और उसे कैसा यूज़ करना है देख सकते हैं आप, वो जो रेज़र ब्लेड है उसे अच्छे से रख के फिर वो उसको नट को टाइट कर लेना है, बहुत आसान तरीका है, आपके पास दूसरा कोई गैजेट ना हो तो ये फ़िलहाल आपके पास फ्री वाला है और आप कर सकते कोई भी। दोस्तों अभी फ़िलहाल वॉल की सेटिंग हो चुकी है और जिसका आवाज़ है वो भी कम हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि फोर स्ट्रोक गाड़ी के यही इंजन का आवाज़ आपको बाद में कम हो जाएगा धीरे धीरे और आपकी गाड़ी अच्छे से चलेंगी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे दोस्त इमरान के साथ मेरा वीडियो पूरा हो चुका है, मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अपडेट मिलते रहेंगे, दोबारा अच्छे से एक वीडियो बना के आपके लिए पेश रहेंगे और डालते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो है, देख सकते हैं ऐसे थोड़ा सा ब्लेड डाल के उसको, ज़्यादा उसमें गैप नहीं रखने का दोस्तों। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।